दोस्तों, धन की चाहत किसे भी नहीं। दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति शायद ही होगा जिसे धन की चाहत नहीं है। धन हमारी मूलभूत जरूरत है। अगर हमारे पास धन है तो हमें जीवन के सातों सुख मिल सकते हैं। धन नहीं है तो कोई हमें, हमारा पड़ोसी क्या, हमारे रिश्तेदार भी हमें नहीं पूछते हैं। तो ये अक्षय तृतीया आ रही है दोस्तों, जो 14 तारीख की है। इतना पावन दिन है, अक्षय फल देने वाली है। अक्षय तृतीया को पूरे वर्ष वर्ष सभी लोगों को इसका इंतजार रहता है, कब अक्षय तृतीया हो, कब वो ऐसे विशेष उपाय करें जिससे कि माता महालक्ष्मी उनके यहाँ बहानी मार मार कर आए। यानी कि माता महालक्ष्मी आपके घर का रास्ता भूलें ही ना, हमेशा आपके घर में स्थिर रूप से निवास करें। तो छोटे छोटे से प्रयोग अक्षय तृतीया पे आप ऐसे क्या कर लें, मैं आपको वही बताऊंगी जिससे कि माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर वर्ष भर बरसती रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे कहूँगी कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। साथ में ही आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लें जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो, जो कि मैं अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ जो कि 9 ग्रहों पर आधारित हैं, आपके दिन को लकी बनाते हैं, आपको आपके भाग्य का साथ दिलाते हैं, तो उन्हें भी डेली जरूर कीजिए। आप जीवन में चाहते हैं आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिल जाए, आपके हर बिगड़े कार्य बनने लगे, तो उन्हें भी आप जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। अक्षय तृतीया जो कि 14 तारीख की है दोस्तों, बहुत ही पावन दिन है। इस दिन आपको माता महालक्ष्मी के मंत्रों का विशेष जाप करना चाहिए, विशेष जाप करना चाहिए। दान का बहुत महत्व है, दान जरूर कीजिए, मंत्रों का जाप जरूर कीजिए। कुछ ऐसे छोटे छोटे से उपाय टोटके कर लीजिए जिससे कि माता महालक्ष्मी आपसे सदैव प्रसन्न रहें। माता महालक्ष्मी की कृपा के बिना व्यक्ति को कभी भी दुख दारिद्र से मुक्ति नहीं मिल सकती है। दरिद्रता का नाश करने के लिए माता महालक्ष्मी की प्रार्थना हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि अक्षय तृतीया बहुत ही पावन दिन है। इस दिन आप जो भी काम करते हैं वो आपको अक्षय फल प्रदान करता है। दान करते हैं उसका भी आपको अक्षय फल प्रदान होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके पाप कर्मों का नष्ट होता है। इस दिन आप जो भी चीज़ खरीदते हैं वो आपके जीवन में हमेशा बढ़ती चली जाती है, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, जो भी चीज़ आप खरीदना चाहते हैं उसमें बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है। इसलिए इस दिन सोना, चांदी, धातु इत्यादि खरीदने का विशेष महत्व है और व्यक्ति खरीदते हैं इस दिन। इसके अलावा अक्षय फल प्रदान करने वाली है तो माता महालक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान की, कुबेर भगवान की, एक साथ सभी देवताओं की आपको कृपा मिल जाती है, आपका दुख दारिद्र दूर होता है। विशेष कृपा से, आपके विशेष मंत्रों के जाप से आपका जीवन भी धन्य हो जाता है। तो इस प्रयोग में दोस्तों आपको एक मिट्टी का छोटा सा लोटा लेना है। अगर आपके पास पहले से रखा हुआ है आप उसे भी ले सकते हैं, लेकिन कोरा होना चाहिए। आपके पास मिट्टी का लोटा नहीं है, लॉकडाउन है, नहीं मिल रहा है, आपके पास पीतल का लोटा हो उसे ले सकते हैं, तांबे का हो उसे भी ले सकते हैं। अब मान लीजिए लॉकडाउन की स्थिति है और वो मिल ही नहीं सकता आपको, तब आप पुराना भी ले सकते हैं, उसे धो साफ करके उसको साफ कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए उसको। लेकिन मैं कहूँगी पहले आप कोरा ही लीजिए, और मिट्टी का मिल जाए तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। आप पहले से तैयारियाँ करके रख लीजिए, लोटा रख लीजिए, साथ में एक सोने का सिक्का, एक चांदी का सिक्का, एक तांबे का सिक्का, और साथ में जो हमारे डेली की जो करेंसी चल रही है 1, 2, 5 और 10 वाले नोट, इनकी करेंसी में, तो जिसमें आपको 1 का और 5 का और 10 का ये आपको सिक्के लेने हैं। इसमें आपको 5 सिक्के ले लीजिए, 10 रुपये वाले भी आप 5 सिक्के ले लीजिए। इसके अलावा जो 1 का सिक्का है वो आप 11 की संख्या में ले लीजिए। इस तरह ये 21 की संख्या में हो जाएंगे। अगर आपके पास 1 के नहीं है तो आप 2 के भी रख सकते हैं इसमें सिक्के। इतने सिक्के निकाल कर रख लीजिए, इन सबको गंगा जल से धो के साफ कर लीजिए। अक्षय तृतीया वाले दिन अभिजीत मुहूर्त का समय अपने वीडियो में डेली देती हूँ आपको, तो मेरा वो वीडियो देख लीजिएगा। अभिजीत मुहूर्त का समय होता है 12:05 से 12:56 तक। इस समय ही आपको ये प्रयोग करना है, ये मटकी आपको उसी समय तैयार करनी है। आपको एक शुद्ध नया लाल कपड़ा भी चाहिए होगा, वो भी आप मंगा के रख लीजिए। मैं ये सब सामग्री आपको इसलिए बता रही हूँ, ये सारी आप पहले से तैयारी कर लीजिएगा, और जैसे ही अभिजीत मुहूर्त शुरू हुआ उस समय ही आप अपने पूजन स्थल पर आकर बैठ जाइएगा। घी का एक कर्म साक्षी दीपक जला लीजिए, ये सारी चीज़ें रख लीजिए। हाँ दोस्तों, इसके साथ में आपको, अगर आपके पास गेहूँ है तो गेहूँ इतना कि लोटा भर जाए, गेहूँ नहीं है तो चावल,
ये लोटा भर जाए, लेकिन वो चावल आप बीन लीजिएगा, साफ कर लीजिएगा, उसमें टूटा हुआ चावल एक भी ना हो। गेहूं है तो उसमें टूटा हुआ गेहूं एक भी ना हो। इस तरह से अखंडित गेहूं या अखंडित चावल अपने पास रख लीजिए। अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए, आसन पर जल छिड़क लीजिए, साथ में आचमन कर लीजिए 3 बार। मैं हमेशा विधि समझाती रहती हूँ, मेरे वीडियोज अगर आपने पुराने देखे होंगे तो उसमें मैं बताती हूँ। एक कर्म साक्षी दीपक जला लीजिए, उस दीपक में आपको लाल बाती लगानी है, उसमें थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा डालना है, साथ में 5 हरी इलायची के आपको दाने डालने हैं। आसन लाल रखिए, अपने वस्त्र भी लाल या पीले रखिए। अपने ऊपर जल छिड़क लिया, आसन पर छिड़क लिया, 3 बार आचमन किया, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। उसके बाद अपने हाथ धो लीजिए। अब उसके बाद गणेश जी का ध्यान कर लीजिए कि आप जो पूजा करने जा रहे हैं वो निर्विघ्न संपन्न हो, गणपति गजानन आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। क्षेत्र देवता, नगर देवता, ग्राम देवता का ध्यान कर लीजिए कि आपकी अनुमति के बिना मेरी पूजा संभव नहीं है, अपनी अनुमति प्रदान कीजिए, मेरी पूजा पूर्ण। अब ये कलश जो आपने लिया है, माता माँ लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम श्री नमः का आप जाप करते जाइए, और इसमें पहले आपको सोने का सिक्का रखना है, फिर चांदी का सिक्का रखना है, फिर तांबे का सिक्का रखना है, बाकी की फिर आपने अपनी करेंसी रखनी है। उसके बाद इसको चावल या गेहूँ से भर दीजिए और ऊपर से इसके ऊपर लाल कपड़ा रखकर मौली या कलावे से इसका मुँह बांध दीजिए। अगर आपके पास और शिव मंत्र का ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः, इस मंत्र का आप निरंतर जाप करते रहिए। अगर आपके पास सोने का सिक्का नहीं है तो उसकी जगह आप अपने कोई सोने का आभूषण रख सकते हैं। चांदी का सिक्का नहीं है, उसकी जगह चांदी का भी आभूषण रख सकते हैं। तांबे का सिक्का नहीं है तो तांबे का कोई आपके पास कुछ और चीज़ पड़ी हो उसको काट कर छोटा सा टुकड़ा उसमें डाल दीजिए। वो भी नहीं है तो कॉपर वायर मिल जाते हैं आपको अपने घर में, वो कॉपर वायर उसको काट लीजिए और उसको थोड़ा सा पीट लीजिए, किसी खल्लर इत्यादि से पीट लीजिए तो वो चपटा बन जाएगा। उसको गंगा से धो के वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये आपने मटकी तैयार कर ली, इस पर आपने कलावा बांध दिया, मुँह तैयार कर दिया। अब यहीं बैठ कर ओम श्रीम श्री नमः की 3 माला 5 माला 11 माला आप जाप कर लीजिए। इतने मंत्रों का जाप करने के बाद माता को भोग लगा दीजिए, आरती कर दीजिए माता की। अब इस मटकी को आप अपने घर में अक्षय तृतीया वाले दिन आप जो भी पूजा करेंगे वो अभिजीत मुहूर्त के बाद करेंगे, राहु काल में कोई आप इस तरह की कोई तैयारी भी नहीं करेंगे, कोई पूजा भी नहीं करेंगे। ये मटकी को आपको ले जाकर अपने घर की जो भी उत्तर दिशा है वहाँ ले जाकर इसको प्लेस कर दीजिए। अपने घर की उत्तर दिशा, वो आपके कोई कमरा भी हो सकता है, वो आपका स्टोर भी हो सकता है, इस तरह से आप इसको वहाँ पर स्थापित कर दीजिए। शुद्ध जगह करके वहाँ पर आप इस मटकी को स्थापित कर दीजिए और प्रतिदिन जब आप अपनी पूजा करें उस पूजा के बाद वहाँ पर उठिए आप, तो अपनी थोड़ी सी वहाँ पर आपने जो दीपक लगाया है वो दीपक दिखा दीजिए इस मटकी को और घंटी बजा दीजिए। मात्र बस इतना शुरू कर दीजिए और चाहें तो इस ओम श्रीम श्री मंत्र का जाप डेली की पूजा में भी आप अपना शामिल कर लीजिए। 1 माला 3 माला बहुत सरल मंत्र है, 1-2 मिनट में दोस्तों बड़े इजीली हो जाता है, आप करना शुरू कर दीजिए। माता माँ लक्ष्मी आपके घर में बहाने ढूंढ ढूंढ कर आएंगी, तरह तरह से आपके घर में आने लगेंगी, धन के मार्ग खुल जाएंगे, आपको अचानक धन की प्राप्ति होने लगेगी, आपका अटका हुआ धन आने लगेगा, आपको उसी व्यवसाय में आपको दिन पर दिन धन की बढ़ोतरी होने लगेगी और धन आपके घर में टिकने भी लगेगा। इतने चमत्कारिक प्रयोग है। अगले जब आपके अक्षय तृतीया आए इस मटकी को फिर से आप शुद्ध कर लीजिएगा और गेहूँ या चावल भरे उसे गाय को डाल दीजिएगा, बाकी फिर नया भर लीजिएगा। मात्र इतना छोटा सा ही प्रयोग है दोस्तों। अगर हमें चाहिए अपनी लग्जरियस लाइफ चाहिए, माता माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो प्रयोग तो करने ही होंगे, क्योंकि बिना मांगे हमें ईश्वर भी नहीं देता है, तो ईश्वर से भी हमें मांगना ही पड़ता है। तो मांगने के लिए आराधना करनी पड़ती है, सही प्रॉपर विधि पता होती है तो हमारे वो कार्य जल्दी बनने लगते हैं, तो ये आपके लिए प्रॉपर विधि ही है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी राधे राधे जरूर लिखिए, शेयर जरूर कीजिए अपने फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स सर्कल सोशल मीडिया पर। इसके साथ ही मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर वो प्रयोग भी आप डेली देखिए और उन्हें कीजिए, उनसे भी आपको आपके भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। उसके साथ ही उसमें मैं आपको एक विशेष उपाय भी देती हूँ, तो उन्हें भी करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आप उससे किसी ज्योतिष समस्या का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। दोस्तों आप सभी पर माता माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद, मैं कल फिर मिलूंगी अपने ऐसे ही अनोखे विषय के साथ।